क्वेश्चन ये है कि एक स्मूथ वेज है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलरेट कर रहा है, और इस वेज पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास स्मॉल एम है, और ये ब्लॉक इस वेज पर स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेज का एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट करना है, उसके बाद फोर्स अप्लाइड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक इसको फाइंड आउट करना है, और लास्ट में नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक भी फाइंड आउट करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें दो मेथड सॉल्व करना है। एक मेथड में स्यूडो फोर्स को यूज नहीं करना है, और दूसरे मेथड में स्यूडो फोर्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करेंगे, उसमें स्यूडो फोर्स का कोई यूज नहीं है, और फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो होता है। ठीक है, मतलब ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, और ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देख रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ये देखेगा कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए के इक्वल है। ठीक है, और चूंकि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता है। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, तो सबसे पहले इस पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी डाउन डायरेक्शन में एड कर रहा है। ये ब्लॉक वेज के कॉन्टैक्ट में है, वेज स्मूथ है, तो ये वेज इस ब्लॉक पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेगा। तो मान लेते हैं कि जो वेज है वो ब्लॉक पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस मैन के लिए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये मैन ये भी देखता है कि ब्लॉक एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इस ब्लॉक एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है। ठीक है, क्योंकि ये जो मास है वो ग्राउंड से सर्टेन हाइट पर मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। डाउन डायरेक्शन में कैपिटल एम जी है, और नॉर्मल जो है वो नॉर्मल प्लेन इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे ये एंगल थीटा है, और नॉर्मल ये है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और अगेन जो नॉर्मल है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर इंक्लाइन होगा। ये वर्टिकल है और नॉर्मल इस तरफ है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इस नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा एन साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा। अब ये एन खत्म हो गया, इसको हमने
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज एन साइन थीटा, सो वी हैव एन साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास स्मॉल एम है, एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। अगेन डाउन डायरेक्शन में नेट फोर्स एम जी माइनस एन कॉस थीटा है, एम जी माइनस एन कॉस थीटा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डाउन डायरेक्शन में जीरो है, तो हो जाएगा एम इंटू जीरो, दिस इज इक्वेशन वन। और इसको हम लिख सकते हैं एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है। डिवाइड करते हैं, सो दिस इंप्लाई दैट टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, ठीक है। तो हमें यहां पर ए फाइंड आउट करना है, सो दिस इंप्लाई दैट ए इक्वल टू जी टेन थीटा, ये आंसर हो गया, ठीक है। और यहां पर एक बात और कि यहां पर हमने एन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, तो क्या हम mg को पैरेलल टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन रिजॉल्व कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस केस में हमें एक्सेलरेशन को भी पैरेलल टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन रिजॉल्व करना होगा और न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसको भी करके देख लेते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस तरफ नॉर्मल है। अब हम क्या करेंगे, mg को ही पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन और नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन रिजॉल्व करेंगे। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन, और नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा mg cos थीटा। अब ये खत्म हो गया, ठीक है। mg जो है वो खत्म हो गया, mg को हमने पैरेलल टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन रिजॉल्व कर दिया, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन को भी पैरेलल टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन रिजॉल्व करना होगा। तो एक्सेलरेशन इस तरफ है ए, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा, नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन कितना है ए साइन थीटा, ठीक है। तो अगेन ये ए खत्म हो गया और ए का कंपोनेंट हमने ले लिया है पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन। अगेन हम दोनों डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले डाउन द इंक्लाइन प्लेन न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पर जो फोर्स है वो mg sin थीटा है, mg sin थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m है, एक्सेलरेशन कितना है a cos थीटा, ठीक है। मास मास कैंसिल एंड दिस इंप्लाई दैट a इक्वल टू g tan थीटा। तो हम डायरेक्टली यहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। अगेन नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन भी न्यूटन सेकंड अप्लाई करते हैं। तो इस तरफ जो नेट फोर्स है वो एन माइनस एम जी कॉस थीटा है, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन,
ए साइन थीटा। And this implies that n equal to mg cos theta plus ma sin theta m into हम a की वैल्यू यहां से पुट करते हैं g tan theta, ये हो गया mg tan theta into sin theta, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इम्प्लाई दैट। ठीक है, तो हमें यहां पर एन की वैल्यू एम जी बाई कॉस थीटा के इक्वल मिलनी चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। एन इक्वल टू एम जी का कॉमन ले लें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड वन डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो हम देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ भी एन जो है वो एम जी बाई कॉस थीटा है और इस मेथड से भी एन एम जी बाई कॉस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों ही मेथड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिल गई, फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द वेज दैट इज एन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी कॉस थीटा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, ब्लॉक एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिर्फ ए है हॉरिजॉन्टल, तो ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है वो एम इंटू ए के इक्वल है अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो हो जाएगा एम ए। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों सॉल्व हो गया। अब आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यहां पर ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसा कोई ऑब्जर्वर चूज करना होगा जिसका एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड मालूम है, तभी हम जाके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जर्वर को यहां पर इस वेज पर ही टिका देते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो वेज के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करने चाह रहा है। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास स्मॉल एम, ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ब्लॉक पर जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है दोनों डायरेक्शन में एम जी के इक्वल है। कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय द व्हील्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू कैपिटल एन। इस तरफ व्हील्स ब्लॉक पर कॉन्टैक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है, लेकिन
इस ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सलरेट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो स्यूडो फोर्स कितना होगा? स्यूडो फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस एम ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। यहां पर ऑब्जर्वर का एक्सलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए है, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो वेव के ऊपर में बैठा है और वेव का एक्सलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए है। तो इस ऑब्जर्वर का एक्सलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए है, तो ये ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर माइनस एम ए फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब टुवार्ड्स राइट इस ब्लॉक पर माइनस एम ए अप्लाई होगा, या टुवार्ड्स लेफ्ट इस ब्लॉक पर एम ए अप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, टुवार्ड्स लेफ्ट इस पर एम ए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या हम इस तरफ माइनस एम ए भी अप्लाई कर सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो इस तरह से इस ऑब्जर्वर के लिए इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहां पर एम जो है वो ब्लॉक का मास है और ए जो है वो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना देखेगा? जीरो देखेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर और ब्लॉक के बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन्ड है, ठीक है। मतलब ये जो ऑब्जर्वर है वो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में जीरो देखेगा, और पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन दोनों डायरेक्शन में जीरो देखेगा, ठीक है। तो हम किसी भी डायरेक्शन में इस ऑब्जर्वर के लिए इस ब्लॉक पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लें, या तो हम पैरेलल टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन लें, दोनों से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, और ऑब्जर्वर के लिए दोनों डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है। डाउन डायरेक्शन में एम जी है, इस तरफ एम ए है। अब हमें नॉर्मल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करना होगा। ये नॉर्मल है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एन कॉस थीटा है, अपवर्ड कंपोनेंट एन कॉस थीटा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन थीटा है, ठीक है। एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए। एक्सप्रेशन वर्टिकल डायरेक्शन में भी जीरो है, एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी, एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए, ऑल्सो एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, सेम आंसर, ठीक है। दैट इज ए इक्वल टू जी टेन थीटा, ठीक है। एक की वैल्यू ये रही नॉर्मल, यहां से हम देख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, ठीक है। सेकंड वाला भी हो गया। सी नंबर, नेट फोर्स
ऑन द ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इनर्शियल फ्रेम में ही रहना होगा, ठीक है। मतलब ये कि ये जो मैन है वो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये मैन जो है इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं देख सकता, ठीक है। तो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्राउंड पे आना होगा। तो जैसे हम ग्राउंड पर आएंगे तो देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन ए के इक्वल है, तो जो फोर्स है वो एम ए के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है वो ब्लॉक पर इन तीनों फोर्स को देख रहा है, ठीक है, और इन तीनों फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक पर नेट फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है। और अगेन यहां पर इस ब्लॉक के लिए पैरेलल टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर नॉर्मल जो है वो ऑलरेडी इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल है, एमजी का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन प्लेन इस तरफ एमजी साइन थीटा है, और नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन इस तरफ एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अगेन एम ए का भी पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन ये एम ए कॉस थीटा, ठीक है, और नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन इस तरफ एम ए साइन थीटा होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि एम ए फोर्स इधर ऐड कर रहा है, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो इधर वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा एम ए कॉस थीटा अप द इंक्लाइन प्लेन, और नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा एम ए साइन थीटा, ये रहा, ठीक है। अगेन ब्लॉक एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन और पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन दोनों जीरो है, ठीक है। मतलब एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, एंड एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सो फर्स्ट इक्वेशन इज एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम एम कैंसिल, एंड दिस इंप्लाई दैट ए इक्वल टू जी टेन थीटा, ये आंसर हो गया, ठीक है। और यहां से नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, एम इंटू ए साइन थीटा, ए की वैल्यू जी टेन थीटा है, तो हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। एंड दिस इंप्लाई दैट एन इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, ठीक है, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, दैट इज एम जी बाई कोस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।